हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। सो दोस्तों, इवनिंग का टाइम है, 5:30 बज रहा है और आप लोगों को पता होगा मैंने एक नया स्कूटी लिया था जो कि पापा को मैंने गिफ्ट किया था। उसमें हमने पता है 1 महीना भी नहीं हुआ है 700 किलोमीटर चला दिया मैंने उस स्कूटी को और पहला सर्विसिंग था 500 किलोमीटर में। तो हेमंत को मैंने दे के भेज दिया था उसको शोरूम आज को सर्विसिंग करवाने के लिए। तो अभी सर्विसिंग कंप्लीट हो गया है, सुबह ही वो देख करके आ गया था। तो अभी फिलहाल जा रहे हैं स्कूटी को लेने के लिए, चले जा करके देखते हैं कैसा सर्विसिंग हुआ नहीं हुआ। एंड वॉश भी हो गया है, बहुत ज़्यादा गंदा भी था और साथ ही साथ और भी ढेर सारा काम है क्योंकि परसों से हमारा म्यूजिक वीडियो भी जो है स्टार्ट होगा शूट, तो उसके लिए भी काफ़ी सारा काम है। धनबाद में मुझे जाना है अभी, तो सब कुछ आप लोग आगे मिलेगा डिटेल वीडियो पे। ब्लॉग को देखते रहना एंड तक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। अभी हेमंत लोग आ रहा है, वेट कर रहे हैं उसी की स्कूटी से जाएंगे, प्रिंस की स्कूटी से जाएंगे, अपने स्कूटी को लेंगे, फिर उधर से डायरेक्ट उधर धनबाद जाएंगे, बिग बाजार या फिर कहीं ट्रेंड्स या पेंटलून्स में कुछ शॉपिंग वगैरह करना है म्यूजिक वीडियो के लिए। ठीक है, क्या क्या करना है नहीं करना है आगे मिलेगा, देखते रहें ब्लॉग को। ये प्रिंस अभी आ गया है, 2 मिनट भी नहीं लगा, बहुत स्पीड में आ रहा है उधर से। हो गया सर्विसिंग वहाँ? तुम भी गया था ना देने के लिए? हेमंत और प्रिंस ही गया था। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से डायरेक्ट सर्विसिंग यहाँ TVS के शोरूम में। हेमंत कहाँ, मोड़ में ही है? सो लेट्स गो। तो चलिए फाइनली यहाँ पर हेमंत को भी ले लिए हैं, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं सीधे शोरूम। अभी हम लोग आ गए हैं शोरूम पे TVS एंड इधर देख सकते हो बाइक पूरा सर्विस होकर कंप्लीट है। ये देखिए एकदम धुला उला के रख दिया है, प्लस नंबर प्लेट भी लग गया, नंबर प्लेट पहले नहीं लगा हुआ था। क्या हुआ? पहले आना चाहिए था ना भैया। क्यों? सर्विसिंग हो गई, आप सर्विसिंग देख लेते हैं। हाँ सर्विसिंग नहीं देखना, तुम लोग पे भरोसा है ना। देखिए ये सारे स्टाफ जो कि यहाँ पर काम करते हैं ना, ये लोग फिर अभी देख रहेगा, फिर से हम आ गए ना गाड़ी लेने के बाद, फिर से आए। गाड़ी तो पूरा एकदम चमका दिया है धो धा करके। और नंबर देखिए ये वाला है K7748। रीज़न ये है कि मुझे 0023 चाहिए था बट मिला नहीं था। बोल रहा था कि इसका फर्स्ट वाला स्लॉट जो है ना वो पहले ही बुक हो चुका था, उसका सेकंड वाला स्लॉट मिलता तो 3 महीना टाइम लग जाता उसमें। तो मैंने सोचा हटाओ, अब जो मिला वहीं सही है, बाकी नेक्स्ट टाइम कभी 4-व्हीलर लेंगे तो उसका नंबर सेम लेंगे, 0023। चलो बहुत अच्छा लग रहा है, फिर से न्यू हो गया, वैसे तो न्यू ही है। तो ये वाला थोड़ा बाहर निकल गया था, इसको करवा रहे हैं अंदर, पता नहीं कैसे निकल गया। ये देखिए ये तो पूरा सटा हुआ है ना, वो गैप हो गया। एक और प्रॉब्लम ये देखो, ये स्विच ना ऐसे दब के रह जा रहा है, चेन स्प्रे लग मार देता। अरे ऐसे कर, ऐसे ऑन कर आपने चालू हो जा रहा गाड़ी। ये 2 दिन से ये सब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, सही करवा ले रहे हैं। तो गाइस सारा काम हो गया कंप्लीट, अब हम अपना स्कूटर चलाएंगे, हम चलेंगे प्रिंस को बैठा कर, हेमंत चलाएगा प्रिंस को। 10 मिनट पेप्सी, 3-5 मिनट। यहाँ से हम लोग जाएंगे डायरेक्ट धनबाद पेंटलून शॉपिंग करना। चलो मनोज भी आज हम लोग दोनों को शॉपिंग करवाएंगे। शॉपिंग करना ठीक है भाई, इतना बोला अच्छा लगा। देख रहे हैं गाइस क्यों शॉपिंग करना, क्योंकि वीडियो शूट के लिए, वीडियो शूट के लिए शॉपिंग करना है। म्यूजिक वीडियो शूट स्टार्ट है 25 तारीख। अभी ये ब्लॉग पता नहीं कब आएगा, ये 23 तारीख को ब्लॉग शूट हो रहा है, शायद कल मॉर्निंग में हम डाल देंगे। गाना बनाएगा मेरा भाई, गाना बनाएगा ना, हीरो हीरोइन 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 कौन रहेगी कमेंट करना नीचे। एक्टर तो हम, एक्ट्रेस कौन रहेगी ना आप लोग कमेंट करके बताना, गेस करो कौन रहेगी। समझ में आ गया? सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो 699 किलोमीटर मैंने चला दिया है, 1 महीना भी नहीं हुआ ना प्रिंस अभी। हाँ, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। तो 699 किलोमीटर मैंने स्कूटी को चला दिया, बहुत ज्यादा मजा आता है। एंटोर की स्कूटी मुझे बेस्ट लगा है, ठीक है। अगर किसी को स्कूटर लेना है ना तो यही वाला स्कूटर लेना, काफी बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा चलाने में भी मजा है। और देख सकते हैं आप लोग, प्रूफ आपके सामने है, जब से मैंने इसको लिया तब से मैं अपने लाली बुलेट को तो चलाता ही नहीं हूँ, जस्ट रखा हुआ रहता है, इसी को अभी तक मैं चला रहा हूँ। और पापा भी चलाते हैं, घर वाले सब चला लेते हैं, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी है। तो बस ऐसा ही कुछ है, अभी चलिए धनबाद निकल रहे हैं, मौसम भी खराब हो रहा भाई। चलिए तो अभी पेट्रोल ले लेते हैं पहले, फ्यूल पूरा डाउन हो गया था, चलाने में पूरा मजा आ रहा है। मौसम भी पूरा अच्छा किया हुआ ना, लेकिन बारिश होगा लग रहा है क्या? पेट्रोल का दाम थोड़ा घटा है, 9.5 रुपया, बहुत सस्ता हो गया। अभी हमारे यहाँ पे मिल रहा है 100 रुपया अप्रॉक्स, आपके वहाँ पे कितना में मिल रहा है कमेंट करो। बहुत जगह 110 रुपया अभी भी है, मतलब 120 था पहले वो लोग।
लोग ज़्यादा ज़्यादा रास्ते में बारिश में फंस चुके हैं। ये देखिए एक दुकान पे यहाँ पर कोवेयर, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग सब वेट कर रहे हैं बारिश का छूटने का। यहाँ पे एक दुकान जैसे ही छूटता है फिर निकलेगा ट्रेन। कब तक छूट जाएगा? तो यहाँ पे हेमंत ने सही ही बोला था, पक्का 15 मिनट के बाद बारिश छूट चुका है, हल्का हल्का से गिर रहा है, तो इसमें जा सकते हैं, उतना नहीं भींगेंगे। एंड चलिए अब फिर यहाँ से निकलते हैं, और ज्यादा दूर नहीं है। सो गाइस अभी आ गए हम लोग पेंटलून्स में, तो चलिए अंदर चलते हैं। इधर बारिश होने की वजह से थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, पूरा पानी पानी हो गया है चारों तरफ। मैं पानी पानी हो गए। आ रहे हैं हम लोग शॉपिंग करने, फ्रेंड्स को कैमरा होल्ड करवा दिए हैं, फ्रेंड्स बहुत अच्छा ब्लॉग बनाता है। अरे भाई प्रमोशन कहाँ पे मिलेगा सर? यहाँ नहीं, इसको ऊपर 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 ये जो पहन के है ना, ये भी यहीं का है। तो इतना कुछ अभी पसंद आया है, एक येलो शर्ट, एक ब्लू शर्ट, सारा प्लेन, कुछ भी डिजाइन वगैरह कुछ नहीं, और एक टी शर्ट। यही ले लेते हैं, येलो ही सही लगा। हाँ एक ही लेते हैं, बहुत सारा टी शर्ट। चलिए हो गया, बिलिंग करवाते हैं। बाकी जीन्स वगैरह नहीं लेना है, वो बहुत सारे स्टॉक थे ऑलरेडी पहले से। बाकी फिर कोट पैंट का कुछ सूट है, वो आप लोगों को BTS तो देखने को मिलेगा। पहले तो गाना आएगा, उसके बाद BTS आएगा। तो चलिए बिलिंग वगैरह हो गया सारा कंप्लीट। कितना हुआ ब्रो? 4,000। हाँ। दो शर्ट और एक टी शर्ट में। हाँ। अब उसमें 500 डिस्काउंट मिला तभी 4,000, वरना 4,500। एक एक शर्ट 2,000 का करके होगा ना। चलिए अभी हम लोग आ गए हैं बिग बाजार में, और यहाँ पर जब भी आते हैं काफी सारे सब्सक्राइबर्स लोग मिलते रहते हैं, सेल्फीज वगैरह लेते रहते हैं। अभी प्रिंस और हेमंत पहले ही आ गया, बताइए हमको छोड़ के आ गया। KFC पे आ गए हैं, सोच रहे हैं थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं KFC में, आज का स्पेशल उसके बाद जाएंगे। आज का स्पेशल लिखा हुआ क्या कुछ? आज का स्पेशल तो देखते हैं, आज का स्पेशल क्या है पता करते हैं। तो यहाँ पर प्रिंस बाबू आ रहा है हमारा मिल लेकर के। सर आपका ऑर्डर। थैंक यू ब्रो। सो हमने ये मंगवाया था पूरा एक बकेट, ये है कोल्ड ड्रिंक है 3, बाकी ये तो सॉस वगैरह मिलता है, ख़त्म कर देगा एकदम। तो हमारा शॉपिंग वगैरह सारा हो गया कंप्लीट, चलिए अब यहाँ से निकलते हैं घर की ओर, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया। सो गाइस घर आकर के मैं सो गया था, और अभी सुबह हो चुका है, और जस्ट मैं एंड पार्ट शूट कर रहा हूँ, जस्ट इसको एड करूँगा और ब्लॉग हो जाएगा कम्प्लीट। तो आई होप दोस्तों आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आई है, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी आपको सारा अपडेट्स मिलता रहेगा जो भी म्यूजिक वगैरह अभी शूट होने वाला है। एंड चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।